नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीट बज न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा साह। फरुखाबाद में मोरम से लदे डंपर की टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। घटना में कार चला रहे अधिवक्ता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार में सवार अधिवक्ता की पत्नी सहित 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रविवार की सुबह मऊ दरवाजा क्षेत्र के गांव खगौ गौशाला के निकट रोशनाबाद मार्ग पर यह भीषण हादसा हुआ। मोरम से लदे डंपर की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए, जिसमें एक की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। करीब आधे घंटे बाद पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से सभी को कार से बाहर निकाला और जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कार चालक को मृत घोषित कर दिया गया। मृतक कार चालक प्रशांत मिश्रा पेशे से अधिवक्ता है और सिविल लाइन फतेहगढ़ के निवासी थे। वो अपने पिता तुलसी राम के साथ पैतृक गाँव बझेरा थाना अलीगंज जनपद एटा से वापस आ रहे थे। उसी दौरान सिविल लाइन निवासी अरुण दुबे, उनकी पत्नी शिवानी दुबे, 2 बच्चे रुद्र और लक्ष्मी फरुखाबाद के लिए उनके साथ चल दिए। कुछ ही दूर निकलने पर गौशाला के सामने पहुंचते ही प्रशांत की ऑल्टो कार में सामने से तेज रफ्तार आ रही डंपर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। शमशाबाद ब्लॉक प्रमुख के परिजन जगतपाल नाला बघार से मोरम को डंपर के साथ लेकर आ रहे थे। दुर्घटना होते ही ड्राइवर और हेल्पर भाग गए। भारी शरीर होने के कारण जगतपाल डंपर के नीचे नहीं उतर पाए। गुस्साए ग्रामीणों ने जगतपाल की पिटाई कर दी। बताते हैं कि गंभीर रूप से घायल अधिवक्ता करीब 1 घंटे तक कार में फंसे रहे। लोगों का कहना है कि यदि अधिवक्ता को तुरंत उपचार मिल जाता तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। श्री राम मिश्रा जी थे और शिवानी है, रुद्र है लड़का इनका, लक्ष्य है और एक नाम नहीं, प्रशांत मिश्रा की पता अभी जानकारी जो आ रही है उसने घटनास्थल पर मौत बताई जा रही है। प्रशांत मिश्रा पेशेस क्या थे? एडवोकेट नहीं है। सभी इलाज हो रहा है? सभी का इलाज हो, इलाज चल रहा है, जो घायल इनका इलाज चल रहा है और बाकी जो है अभी प्रशांत मिश्रा की जानकारी अधूरी है। जानकारी स्ट्रीट बस के लिए फरुखाबाद से रविनंदन की रिपोर्ट। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्ट्रीट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।